सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको जेंस की साइट से एक बहुत ही सुंदर गर्ल्स टॉप बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से जेंस की साइट को काट कर अपने लिए टॉप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको जेंस की साइट लेना है और प्रेस करके इसे फैला लेना है। अब आप जिस साइज की टॉप बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको साइट लेना है। जैसे कि मैंने लिए मीडियम साइज की टॉप बनाने के लिए लार्ज साइज की साइट, तो इसी तरह आपको लेना है। अगर आप स्मॉल साइज की टॉप बनाना चाहते हैं तो आपको लेना है मीडियम साइज की साइट। तो अब आपको इसमें निशान लगाना है। आपको सिर्फ तीन ही निशान लगाना है और आपकी टॉप बन जाएगी। जो कॉलर के पास जॉइंट वाली सिलाई होती है उसी के पास इंची टेप को मिलाकर रखिए। तो इधर से ही आपको इंची टेप रखना है और जितनी लंबाई आपको पसंद है उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 24 इंच, यहाँ पर आधा इंच को बढ़ाकर ले लेंगे, आधा इंच हो जाएगा नीचे का मार्जिन, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये निशान लग गया आपकी लंबाई का। तो लंबाई के निशान को लगाने के बाद अब आपको कॉलर के पास ही एक निशान लगाना है। तो जहां से कॉलर बनी हुई है उधर ही एक निशान लगा लीजिए इस तरह, और यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ दीजिए, और 1.5 इंच ही आपको इस साइड छोड़ना है और ऊपर तक मिला दीजिए इस तरह। अब कॉलर के पास से ही आपको इसका बॉक्स बनाना है इस तरह। इस तरह अच्छे से बॉक्स बनाइए और इधर से गुलाई दे दीजिए इस तरह। इस गुलाई को आप नाप कर भी दे सकते हैं, 1.25 इंच दूरी पर रखिए और इस निशान को बना लीजिए, तो गुलाई इसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है आस्तीन में, जहाँ से इसके कप ओपन रहते हैं उधर से ही आपको निशान बना लेना है। एक कप की जो पट्टी जा रही है उधर से ही इसको काट कर निकाल देंगे और इसी तरह निशान हम इस साइड लगा देंगे और बस इधर से इसकी कटिंग कर देंगे। तो टॉप बनाने के लिए बस आपको इतना ही कपड़ा काट कर निकालना है। उसके बाद एक निशान और लगाना है आपको ऊपर से कमर के लिए। तो ये निशान लगा दिए हमने 15 इंच पर। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। इस तरह आपको निशान लगा लेना है और ये जो कटा हुआ कपड़ा बचा था उसकी हमें एक पट्टी निकालना है। तो इस तरह हमने एक पट्टी निकाल ली है जो यहाँ पर जॉइंट करेंगे, और ये जो बड़ी हुई पट्टी है उसकी यहाँ पर छोटी छोटी सी फ्रिल बनाते हुए सिलाई डालेंगे, जिससे इसमें सुंदर लुक आएगा। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि गले के लिए कुछ तिरछी पट्टियाँ निकालना है। बस आपको आस्तीन का जॉइंट खोलना है जिससे आसानी से आपको पट्टियाँ मिल जाएंगी। स्किल को रखते हुए 1-1 इंच के हिसाब से कुछ तिरछी पट्टियाँ निकाल लीजिए। स्किल को रखिए और बराबर से मिलाते हुए आप निशान लगाते जाइए। तो ये पट्टियाँ मिल गई हैं गले के लिए। तो आस्तीन का जो बचा हुआ कपड़ा था उसी से हमने तिरछी पट्टियाँ निकाल ली हैं गले की फिनिशिंग के लिए, और इसको उठा के अब साइड से कर देंगे। अब आपको निकालना है इसके लिए इलास्टिक। तो पहले इलास्टिक हाथ के लिए निकालेंगे। तो अपने हाथ में आप इलास्टिक को लगाकर इस तरह चेक कर लीजिए, जितना कंफर्टेबल होता है उतना काट कर निकाल लीजिए इस तरह। तो एक हाथ के लिए हम 2 इलास्टिक यूज करेंगे। तो एक हाथ के लिए हमने 2 इलास्टिक काट के निकाल ली है। तो 2 इलास्टिक हो गई है इस आस्तीन के लिए और 2 इलास्टिक इस आस्तीन के लिए। अब 6 इंच के हिसाब से 1 इलास्टिक और निकालेंगे जिसे हम पीछे की साइड डालेंगे। तो ये हुआ 6 इंच, थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसको काट लेंगे। तो ये इलास्टिक आएगी पीछे की साइड। अब आपको इलास्टिक निकालना है गले के लिए। तो गले के लिए आपको इलास्टिक का तीसरा भाग लेना है। ये तीसरा भाग आपको कैसे लेना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक गला आधा हुआ इधर तक, ठीक है, जो जॉइंट होता है तो ये आधा इधर तक हो गया। अब इसका आधा जो भी भाग होता है तो यहाँ पे आप इस तरह चेक कर सकते हैं। इस तरह इंची टेप को रखिए और फिर इसका आधा कर दीजिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो इस तरह आपको ये तीसरा भाग मिल जाएगा। और इधर से इलास्टिक को नापते हुए चेक करना है और इसी को डबल कर लेना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से साइज के हिसाब से इलास्टिक को निकाल सकते हैं।
तो इस तरह आपको इसके लिए इलास्टिक निकालना है। इलास्टिक निकालने के बाद इसकी पॉकेट को भी हटा दीजिए। अब हम आस्तीनों से सिलना शुरू करेंगे। आस्तीन को पकड़िए और इसको दो बार फोल्ड कर दीजिए इस तरह। आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको इसमें सिलाई घुमा देना है। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। अब इसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। इस तरह आप उल्टा करके रखिए और एक निशान लगाइए यहाँ पर सवा इंच पर और दूसरा निशान लगाना है आपको 3 इंच की दूरी से। तो एक इलास्टिक हम यहाँ पर डालेंगे और दूसरी इलास्टिक यहाँ पर डालेंगे। आप चाहो तो इस तरह भी निशान लगा सकते हो जिससे आपकी इलास्टिक एकदम सीध में लगेगी। एक साइड से इलास्टिक रखिए और सिलाई डालते हुए आपको इधर ही मशीन को रोकना है। बस इलास्टिक को इस तरह खींचते जाइए और इसमें ज्वाइंट करते जाइए। तो इस तरह आपको आस्तीन में इलास्टिक लगाना है और सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन को भी तैयार करना है। तो दूसरी आस्तीन में भी हमने इलास्टिक लगा ली है। इलास्टिक लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि एक निशान बना लीजिए और निशान को देखते हुए इलास्टिक आसानी से आप लगाते जाएंगे जिससे आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आस्तीन को तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो निशान हमने ये लगाया था उसी निशान को पकड़कर इसको इस तरह पलटिए। इसी निशान को पकड़ना है और यहाँ पर अच्छे से नाखून से दबा देना है जिससे ये निशान साइड के पीछे भी बन जाएगा। अभी निशान इस साइड भी दिख रहा है तो यहाँ पे आपको बी सेंटर में इलास्टिक को लगाना है। इलास्टिक को पकड़िए और खींचते हुए लगा दीजिए। इस तरह आपको इलास्टिक पीछे के पार्ट में ज्वाइंट कर देना है। इलास्टिक को ज्वाइंट करने के बाद अब आपको नीचे के कपड़े को आधा इंच फोल्ड करना है और इसमें सिलाई डालना है। बस पकड़िए और इसको फोल्ड करते जाइए और इस सिलाई आपको किनारे से ले जाना है। तो इस तरह नीचे की साइड आपको सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा रख लेंगे इस तरह। अब हमने ये जो निशान लगाया था अब इसमें पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। आप YouTube पर सर्च करें कटिंग करते समय मैंने पट्टी निकाली थी, इसको डबल करेंगे और बीच से कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह आपको पट्टी को रखना है। पट्टी को उल्टा रखिए। पट्टी को उल्टा रखना है और आधा इंच के हिसाब से इसको फोल्ड करना है और दो बनाकर रखिए पतली डोरी। इस तरह आपको दो डोरी बनाकर रखना है। एक डोरी को अंदर की साइड रखिए इस तरह और इसमें सिलाई डाल दीजिए। इसी पे आपको सिलाई डालना है। तो इस तरफ से आपको दो पॉइंट कपड़े को फोल्ड करना है और दो पॉइंट कपड़े को इस साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई डाल दीजिए और फिर इसको पलट कर सीधा करिए इस तरह और बस इसके ऊपर से आपको सिलाई डालना है। एक सिलाई इस साइड से रहेगी और दूसरी सिलाई इस साइड से रहेगी। कपड़े को दबाते जाइए और सिलाई डालते जाइए और यहाँ पर जब आप सिलाई डालते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी प्लेट इस तरह डालते जाइए। फोल्ड करेंगे आप कपड़ा तो एक सुंदर सा लुक यहाँ पर आता जाएगा। तो इस तरह आपको कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है। ये आप चाहें तो इस पट्टी पर दोनों साइड से प्रेस कर लीजिए जिससे आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपको दोनों साइड के कपड़े को थोड़ा थोड़ा दबाना है और उस पर प्रेस करना है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह रखिए। इसको हमने उल्टा रख दिया है और इसके अंदर आपको पाइपिंग रख देना है और इसमें सिलाई डाल देना है। तो अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग सिलाई इसमें 2-3 बार डाल देना है जिससे डोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है कि इसके बाद इसको पलट देना है और इसके ऊपर से फिर सिलाई डालेंगे। इधर से सिलाई डालेंगे और एक सिलाई हम इस साइड से डालेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पर पट्टी को ज्वाइंट करना है जिससे इसमें और सुंदर लुक दिखेगा। इस तरह आप छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लेट बनाएंगे तो इसका लुक बहुत सुंदर उभर कर आएगा। और आपको अपनी बस फिटिंग के हिसाब से डोरी को खींचते जाना है और इसको बांध देना है। अब हमें बस ऊपर के गले को तैयार करना है। तो तिरछी पट्टियाँ उठाइए और उसको ज्वाइंट कर लीजिए। तो तिरछी पट्टी को आपको सीधा काट कर रखना है। अब एक पट्टी को उल्टा रखिए और एक को सीधा रखिए। मिलाते हुए आपको तिरछी सिलाई डाल देना है इस तरह।
इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सीधी सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको सारी पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है और यहाँ पर दो पॉइंट कपड़े को छोड़ना है। उसके बाद आपको इस पट्टी को इस तरह रखना है, इसका एक बटन लगा लीजिए, एक बटन लगाना है और यहाँ पर सिलाई डाल देना है। तो यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच तक सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको सिलाई डालना है जिससे ज्वाइंट हो जाएगा और फिर आपको एक साइड से पट्टी को रखते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है। ये सीधा रहेगा, पट्टी उल्टी रहेगी और दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई को डालते जाइए, घुमाते हुए पूरे को कंप्लीट करिए। इस तरह आपको पूरे गले में पट्टी को ज्वाइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ध्यान से आप कि थोड़े से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करिए और इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। पट्टी को आपको अंदर की साइड दो पॉइंट फोल्ड करना है और अच्छे से इसको पलटते जाना है। अब आपको किनारे से इसमें सिलाई डालना है, बस पट्टी को संभालते जाइए और अंदर की साइड थोड़ा फोल्ड करते जाइए। इस तरह आपको पूरी पट्टी में सिलाई डालना है और थोड़ा सा फिर गैप छोड़ना है जहाँ से इलास्टिक को पास करेंगे। इस तरह आपको पट्टी को पूरे गले में ज्वाइंट करना है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। अब उठाना है आपको इलास्टिक और एक लेना है छोटा सा सेफ्टी पिन, जिससे आपको इलास्टिक डालने में आसानी होगी। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है, उसके बाद यहाँ पर इलास्टिक को ज्वाइंट करना है। एक इलास्टिक को पकड़ना है, दूसरी इलास्टिक को इसके ऊपर रखिए और अच्छे से इसमें 2-3 सिलाई डाल दीजिए जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद इलास्टिक को अंदर करेंगे और जो हमने गैप छोड़ा है उसको बंद कर देंगे। इस तरह आपको गले में इलास्टिक डालना है जिससे गले में बोट नेक का शेप आ जाएगा और ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब टॉप बनकर कंप्लीट हुई। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से जेंट्स साइड से एक सुंदर सी गर्ल्स टॉप बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसमें नीचे की साइड लगा देंगे हम पॉम पॉम और आप चाहें तो अपने पसंद का इसमें डेकोरेशन भी कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।